हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपनी पुरानी नेट की साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका श्रग बना सकते हैं। तो ये है मेरी नेट की साड़ी जो हाफ एंड हाफ में थी। हाफ साड़ी का मैंने ऑलरेडी सूट पहन लिया था बनाकर 2 साल पहले ही, बट ये नेट का कपड़ा पड़ा था जो पल्लू की साइड था वो पड़ा हुआ था, उसका कुछ आइडिया मुझे नहीं आ रहा था, बट आज आया है तो मैंने आज ही ये DIY आपके साथ शेयर की करने की सोची है। तो इसमें अभी फ्रेंड्स मैंने जो करना है इसका श्रग बनाऊंगी मैं, पार्टी वेयर श्रग जो होते हैं, जो आप साड़ीज़ के ऊपर या फिर स्कर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं वो पहन सकते हैं। तो ये उस टाइप का कुछ श्रग बनेगा। काफ़ी हैवी है ये पल्ला, मैंने फेंका भी नहीं था इसको, रखा हुआ था कि कुछ अच्छा आइडिया आएगा तो इसका बनाऊंगी। तो इसको मैंने अभी 4 फोल्ड में करके यहाँ बिछा लिया है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में, और जिस साइड से बंद है बिल्कुल सारे साइड तो वो मैंने इस साइड को रख लिया है। उसके पर अब मैं बिछाऊंगी अपनी ये कुर्ती। इस कुर्ती को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। ये सिर्फ हमारा ओवरऑल लेआउट होगा, बाहर का जो भी है वो लेआउट होगा। इस कुर्ती का खुला हुआ साइड खुले हुए साइड की तरफ हो जाएगा, बंद साइड की तरफ हो जाएगा, और इस तरह से इसको प्लेस करते हुए आप रख लीजिए। और रखने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, क्योंकि हमने पूरा अच्छे से इसकी फिटिंग से लेना है। इस तरह से मैंने ये रख ली है, और ये रखने के बाद अब मैं मार्किंग्स करूँगी इसके गले पे। जितना आपको बैक का गला डीप रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा ही डीप रखा है, ऑलमोस्ट 1.5 इंच के करीब, और उसके बाद मैंने आर्म होल का आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। आर्म होल को भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इस पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने, क्योंकि नेट है नेट खिस ना जाए, और इसका थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ए लाइन में मैंने इसको मार्किंग कर ली है। ए लाइन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि श्रग ए लाइन ही बहुत अच्छे लगते हैं, जो वो फैले फैले से होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने अब इसकी मार्किंग कर लिया, मैं इसको कटिंग कर लूँगी इसी तरह से रखकर। कटिंग करते हुए हमने दोनों साइड की कटिंग कर ली है, आगे और पीछे की, तो इसको इस तरह से हम रखते हुए कटिंग कर लेंगे। नेट का कपड़े का ये फ़ायदा होता है कि ये ज़्यादा हिलता नहीं है, जैसे जॉर्जेट और शिफॉन का कपड़ा होता है, बहुत डेलिकेट होता है वो, बट नेट थोड़ा स्टिफ होता है, और इस पर एम्ब्रॉयडरी है तो ये और भी ज़्यादा स्टिफ हो गया, जिससे ये थोड़ा सा अच्छे से हमारा काम बन जाएगा इससे। तो अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। ये साड़ी बहुत सुंदर थी बट आउट ऑफ फैशन हो गई थी, तो मैंने इसका सूट ऑलरेडी बना लिया था, जो इसका प्लीट्स का पार्ट था वो काफ़ी लंबा था, मैंने उसका पूरा सूट ही बना लिया। अब इसका दुपट्टा बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका अब श्रग बनाऊंगी। अब ये देखिए, ये मैंने अब इसका अंदर का पार्ट एक निकाल दिया है जो कि इसका बैक पोर्शन बन जाएगा। अब मैं इसका एक पार्ट को इस तरह से बिछा लूँगी, क्योंकि हमने श्रग बनाना है, श्रग ओपन होता है फ्रंट से, तो अब ये वाला हमारा सपोज फ्रंट का साइड है, तो अब हम इसके ऊपर मार्किंग्स करेंगे। अपने मर्जी का इसमें आप गला बना सकते हैं फ्रंट में, क्योंकि श्रग का गला थोड़ा सा डीप ही अच्छा लगता है। अब इसका आप अपनी मर्जी से गला बना सकते हैं। ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। अब मैंने यहाँ पर 10.5 इंच का रखा है, क्योंकि मुझे अपना 10.5 इंच का गला चाहिए था आगे का। तो इस तरह से ये देखिए 10.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर लेनी है, और इसको मैं सर्कल का शेप दूंगी, सर्कुलर शेप इस तरह से। ये देखिए, इसको मैंने सर्कुलर शेप दिया है थोड़ा सा। मेरा बेटा आके खड़ा हो गया, हाँ सॉरी। और ये देखिए इस तरह से, तो ये सर्कुलर शेप हमारी दे दी गई है। और अब इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। ये मटके वाली शेप मुझे बहुत पसंद है, श्रग्स में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है इससे। तो अब मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, और फ्रंट से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी, जो बचा हुआ है इस तरह से हम लंबाई में इसको काट लेंगे। अगर आपकी कटिंग हो जाती है इस तरह से, तो उसके बाद सिर्फ आपको स्टिच करना रह गया बस। अब हमारा सिर्फ स्टिचिंग का पार्ट रह गया, सारा हमारी कटिंग हो गई है, और इतनी ही है इसमें कटिंग। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप नया आप कुछ देख के सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें टेंशन वाली कोई चीज़ है ही नहीं। अब मैंने इसको जैसे कट किया है, अब मैं इसको इससे स्टिच करना आपको बताऊँगी। पहले मैं शोल्डर्स जोड़ूँगी,
इस तरह से रॉन्ग साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए बाहर की साइड को निकालते हुए हम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले इसके शोल्डर्स हम ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन होने के बाद हमारा ये दिख रहा है आपको। अब हम इसके साइड में सिलाई कर लेंगे सारी। अब साइड में सिलाई करने से हमारा पूरा श्रग की जो वो होता है ना, मतलब एक ओवर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा इस तरह से कुछ। ये देखिए, हमने सिलाई कर लिया। अब इसको सिलाई करने के बाद इसके सारे रॉ एजेस को आपने हेम कर लेना है। आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड कर करके सिलाई भी कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बढ़िया सी लेस लगी हुई है तो वो भी आप फ्रंट में ऐसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो ही बहुत आई कैची है और बहुत सुंदर है। तो इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको श्रग बनाया है, ताकि मैं कोई भी प्लेन कलर की साड़ी, अपनी ब्राउन कलर की साड़ी हो या फिर ऐसी गाजरी कलर की साड़ी के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये सारा बन गया है हमारा, रेडी हो गया पूरा। मैंने इसके आगे यहाँ पर फ्रंट में जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर ये लेस लगा ली है। इसी साड़ी के साथ निकली थी ये लेस, तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके लेस को लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए, और गले पे भी मैंने लगा ली है। और यहाँ पर मैंने इसको एक हुक के साथ आई बनाकर यहाँ पर लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजर हो गया। बाकी मैंने सारा ओपन छोड़ा है क्योंकि ये श्रग है। नीचे से भी इसको डबल फोल्ड करके आप फोल्ड कर लीजिए, और साथ में इसकी स्लीव्स पे भी, जो हमने स्लीवलेस बनाया है इसको, कट स्लीव्स, ताकि हम इसको फुल स्लीव्स के कुर्तीज के साथ भी पहन सकें। तो हमने इसको इस तरह से बनाया है और इसको फोल्ड कर लिया है पाइपिंग लगाकर, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स। तो इसको मैं गोल्डन कलर की कुर्ती के साथ भी पहन सकती हूँ, गोल्डन स्कर्ट और गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ इसको ऊपर से लेयरिंग के लिए पहन सकती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये आपके कोई भी प्लेन से कुर्ती के ऊपर चार चांद लगा देगा, एकदम फेस्टिव लुक दे देगा उसको। तो इस तरह की आप अपनी कोई भी नेट की जो आउटडेटेड साड़ी है, जो आप पहनते नहीं हैं, उसके नेट को निकाल कर, और इस तरह से बहुत ईजी होता है ये श्रग बनाना, तो ये श्रग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ज़रूर बताइएगा कि ये सांसा DIY आपको कैसा लगा। गिव अवे में ज़रूर पार्ट लीजिए। गिव अवे का प्राइज मनी है 5,000 रुपीज़ कैश दूंगी मैं। आप भी लकी हो सकते हैं। आप जल्दी से सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। तो गिव अवे में ज़रूर पार्ट लीजिए ताकि आप लकी बनकर जीत सकें 5,000 रुपीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।